हेलो एवरीवन, मैं रोज़ी जाफरी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गार्डन से रिलेटेड कुछ बीती बातें और कुछ आज से रिलेटेड। तो देखिए, जुड़े रहिए अंत तक। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कुछ प्लांट्स तो मेरे अच्छे हैं, चल रहे हैं, कुछ बड़े भी हो रहे हैं और कुछ पौधों के बहुत ही बुरे हाल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट और अम्ब्रेला पाम, सनसेवेरिया, इन सब कैक्टस जैसे हैं प्लांट, ये और हैबिस्कस और श्रिम्प जैसे खिल रहे हैं अभी, और कुछ तो बहुत ही बुरे कंडीशन में हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जगह चेंज करनी होती है कभी मौसम के हिसाब से, तो वो चीज़ नहीं हो पाया और धूप में रखे हुए, जैसे यहाँ पे आपने देखा हवर्थिया भी बहुत ख़राब कंडीशन में है। इनको सेमी शेडेड जगह पे रखना पड़ता है और ड्रेसिना, ये भी इंडोर प्लांट है, तो ये सब धूप में रहने की वजह से बिल्कुल बुरे हाल में है। काफ़ी पत्तियाँ सूख चुकी हैं इनकी और नीम के पौधे का भी वही हाल है और बेतरतीब सा हो गया है मेरा बालकनी गार्डन और बहुत चीज़ें बिखरी सी हैं, तो इन सब को फिर से ठीक करना पड़ेगा। मेरा जेड प्लांट जो कि बहुत ही हरा भरा था और सैलिक्स क्लवर ने पूरा कब्ज़ा जमा लिया है, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे जेड प्लांट है, ऐसा चुक गया। और यहाँ पे देख रहे हैं फर्नेस पर है, उसका भी बहुत बुरा हाल है, सारी पत्तियाँ इनकी सूख चुकी हैं। और ग्रीन एवर ग्रीन एग्लाउनेमा का भी बुरा हाल था, काफ़ी पत्तियाँ उसकी सूख गई हैं और आलमंडा उसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, जबकि अभी फ्लावरिंग होने का सीज़न है उसका। काफ़ी प्लांट हमारे बहुत बुरे कंडीशन में हैं, तो फिर से इनकी केयर करनी पड़ेगी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बच्चों की तरह, बेबी की तरह केयर करनी पड़ती है, और उन पौधों का क्या है कि जब तक आप उनके, देखिए यहाँ पर हमारा जेड प्लांट है जो आप देख रहे हैं, उसकी पत्तियां नज़र नहीं आ रही है, पूरा ढक सा गया है। तो यहाँ पे स्पाइडर प्लांट जो हैंग किया हुआ है वो भी बहुत ही बुरे कंडीशन में है। यहाँ देखिए इनकी पत्तियां, डालियां काफ़ी सूख चुकी हैं जिनको हमें फिर से क्लीन करना पड़ेगा, सारी सूखी पत्तियों को निकालनी पड़ेगी। इसमें जाले भी लग गए हैं और बहुत कुछ फंसा हुआ है आप देख रहे हैं, तो इन सबको फिर से हमें क्लीन करना होगा, शावर देना होगा। काफ़ी मेहनत है और एक बार तो होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ मैं धीरे धीरे सबको करूँगी सेट। तो इस तरह से एक के बाद एक सबकी सफाई करते हुए सबको शावर देना होगा। पौधों को क्या है कि गर्मी में शावरिंग करना पड़ता है, उसे कम से कम एक टाइम तो शावर करना ही चाहिए, मिस्ट करना चाहिए, उस पर मिस्टिंग करनी चाहिए, तो इस तरह वो हरे भरे रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। और मैं इन सब की, अब इनकी हमने खूब अच्छे से शावरिंग कर दी है, अच्छे से नहला धुला दिया है, इनकी सफाई कर दी है, काफ़ी सारा धूल मिट्टी काफ़ी कुछ था इसमें, तो हमने धीरे धीरे सबको साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं दूसरे प्लांट को लूँगी और उनकी भी धुलाई करूँगी और अच्छे से। हमने खूब अच्छे से सफाई कर दी, इसकी कंडीशन कुछ अच्छी थी क्योंकि इसमें शायद वाटरिंग सही से हो रही थी। और यहाँ पे हमने लिया है सिंगोनियम को, जो कि काफ़ी मोटी मोटी धूल पत्तियों पर आ गई हैं और इनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इन्हें हमें काफ़ी थोड़ा ध्यान से इसको धुलना होगा, साफ़ करना होगा इनकी पत्तियों को। और अब हमने कर दिया अपने बालकनी की क्लीनिंग पूरी अच्छी तरह से और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, हमने सारे प्लांट को हटाया और फिर सबको धोकर साफ़ किया है, एक एक चीज़ हमने साफ़ कर दी है। अब हम सबको फिर से यहाँ पे अरेंज करेंगे। आप लास्ट तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हम सब कभी ना कभी
तो हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर बाहर जाते हैं और फिर आने के बाद जो हमारे गार्डन का हाल होता है, हम सब झेलते हैं उस चीज़ों को। हम जितने प्लांट लवर हैं, हम लोगों के साथ ऐसा कंडीशन आता ही रहता है। तो फिर जो मेहनत लगती है, नए सिरे से हमें करना पड़ता है सब कुछ। तो फिर देखिए, अच्छा लगेगा आपको भी। ये आगे का प्लांट है जिसकी जिसको हमने बहुत ही छोटे से, आपने देखा कि ये बहुत पॉली बैग में लगा हुआ है, तो ये बहुत ही कम मिट्टी में है और काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। तो ये भी ठीक रहते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये मेरा ये, लेकिन इनकी भी पत्तियाँ सूख गई हैं क्योंकि वाटरिंग सही से नहीं हो पाया। और ये है डेविड मोन, इसको भी हमने बहुत ही कम मिट्टी में लगा के रखा है। ये दूध की पैकेट है, उसी में लगाया हमने, जिसमें 2.5 से 3 इंच मिट्टी होगी, इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं, लेकिन काफ़ी हेल्दी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत शेप में आ गया है। अब इनका प्लांट में मुझे डालना ज़रूरी है, तो इसमें इसके प्लांट को मैं चेंज कर दूँगी पॉट में। तो इस तरह से आप निकाल दिया है हमने और इसको फिर लगा देंगे दूसरे पॉट में, तो ये सही लगेगा। और ये हमारा पीछे जो देख रहे हैं सूखी सूखी सी पत्तियाँ हैं, ये हमारे दुरांता का प्लांट था। वो तो बोल कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भूल जाती हूँ मैं बोलते बोलते नाम। तो ये हमारा एवरग्रीन एग्लाउनेमा है, तो इनकी भी पत्तियाँ काफ़ी सूख गई हैं और ये यूज एंथ्रो ग्लास में लगाया हुआ, बिल्कुल छोटा ही है। और अब हम आगे हैं छत पर। छत पर का भी व्यू शेयर करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपने मेरे गार्डन का व्यू देखा है, पहले बहुत ही हरा भरा फूलों से भरा हुआ था, तो अब जो देख रहे हैं हमारा गुलिस्ता काफ़ी सुनसान सा पड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं सभी की कंडीशन बहुत ख़राब है, बुझे बुझे से हैं, और बस वाटरिंग होती रही इसलिए बच गए हैं प्लांट, नहीं तो कुछ भी नहीं बचता। और ये सुबह सुबह का सीन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है मेरे टेरेस का, तो ये भी शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, आपको अच्छा लगेगा देख कर। और यहाँ पर तुलसी का प्लांट था जो कि बहुत ही सूखे से हाल में है, और टेंगल हार्ट है मैंने छत पे लगाया हुआ था। तो ये काफ़ी प्लांट है जो कि अभी बहुत ही बुरे हाल में है, आप देख रहे हैं। तो हमें इनकी केयर करनी होगी, सेवा करनी होगी काफ़ी। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्लांट की सेवा भी बेबी की तरह करना पड़ता है, बच्चों की तरह करना पड़ता है, तभी ये हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। और इनको जितना टाइम दोगे उतने ही खुश होते हैं, इनके साथ वक्त बिताना भी एक ज़रूरी काम है क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है। इसमें टेंगल हार्ट में काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, आपने देखा यहाँ पे काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, और एक छोटे से पॉट में लगा हुआ ये और काफ़ी नीचे तक आ गया है। ये हमें अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी बढ़ गया है और बहुत से प्लांट सूखे हुए हैं। ये हमारा एस्पायरेगस का है प्लांट जो कि सूख गया था और एक उसमें से वाइन आई है। हाइबिस्कस का प्लांट है, ये भी बहुत बुरे कंडीशन में है, काफ़ी सूखी हुई हैं पत्तियाँ। और एमरेलीस के प्लांट है जो ढंग से फ्लावरिंग नहीं हुई है, कहीं कहीं पे हुई है, बाकी तो वैसे ही पड़े हुए हैं। और इस तरह से मैंने आपको लगभग पूरे गार्डन का व्यू दिखाई दिया है, कितने बुरे कंडीशन में है, और हमें बहुत परेशानी लग रही है बस सोच कर कि कितना पीछे जा चुका है ये सब, और काफ़ी मेहनत के बाद ही फिर पलटने वाला है। तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको। अभी गर्मी का टाइम आ गया तो हम इसको कंपोस्ट भी नहीं डाल सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा अगर डालेंगे खाद तो वो सूख सकते हैं। तो हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन देखिए क्या होता है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, और पहले किस प्लांट को करूं, किस पॉट को करूं, अभी कुछ भी उलझा सा सब कुछ लग रहा है। गर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है तो नहीं हम ट्रिमिंग प्रूनिंग कुछ भी नहीं कर सकते अपने प्लांट की, नहीं रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो अभी बस हम इनकी क्लीनिंग ही कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी वही करूँगी। यहाँ पे हमारा पुदीना का प्लांट था जो भी बहुत ख़राब हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो फिर से ठीक होने वाला है। तो फ़िलहाल तो मैं इन सब की सफाई करूँगी, क्लीनिंग करूँगी हाइबिस्कस में, सॉरी गुलदाउदी में अभी भी कली लगी हुई है, नई फ्लावरिंग होने वाली है इसमें। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेरा पॉट, ये फेरी गार्डन की तरह था, बहुत ही इसमें छोटे छोटे प्लांट्स बहुत सारे लगे हुए थे। तो अभी भी हैं प्लांट्स, बच रहे हैं, लेकिन काफ़ी जंगलात जैसे हो गए, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े से इसमें
वीड्स आ गए हैं, तो हमें इनको क्लीन करना होगा। मैं ये देखिए हमारा चिली प्लांट जो कि बहुत ही छोटा सा है, कोई 5 से 6 इंच का ऊंचाई होगी इसकी, तो इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और वो पक के लाल भी हो गई हैं। तो इस तरह अब मैंने इनको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद आपने देखा इसमें तुलसी के प्लांट हैं, चिली प्लांट हैं और विंग का रोज़िया भी है, तो और इसमें मैक्सिकन पिटूनिया के भी प्लांट आए हुए हैं, लगता है कि सीड से उग गए हैं। कुछ मिट्टी को हमने धूप में डाला है सूखने के लिए और बहुत से पॉट की सफाई कर दी है हमने, जितने वीड्स थे निकाल दिए हैं और कुछ मैं लगाने वाली हूँ। पर्सलेन की कटिंग लगा दूँगी, मोसरोस की, और देखते हैं फिर जैसे होगा। बहुत सारे प्लांट मैं लेकर भी आई थी जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, काफ़ी दिन हो गए और लाने में भी बर्बाद हो गए बहुत कुछ, तो इसलिए वो भी देखिए क्या होता है उनका, आगे क्या बचता है या नहीं। और अच्छा लगता है इसको देखकर, इसकी जो फ्रूटिंग हो रही है।